मेकिंग शेव शाही जट। आज आपको जैसा पता बड़ा अच्छा मौसम है कराची का भी और दूसरे मुल्कों का, दूसरे शहरों का, बारिश हो रही है, बहुत मजा आ रहा है। मैंने आपको बोला था पकोड़े, एक रेसिपी हमारी बहुत पुरानी है पकोड़ों की, मगर नहीं, अब हम आज को आपको एक नई रेसिपी जो कि आपने कराची में देखा होगा कि ऑरेंज चटनी भी होती है और साथ में पकोड़े होते हैं, सही, उसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें नहीं होती पकोड़े में, बड़े खस्ता से पकोड़े होते हैं और साथ में वो ऑरेंज चटनी होती है जिसकी के बहुत डिमांड है चटनी की। तो हम दो रेसिपियां बना रहे हैं, एक पहले हम आपको पकोड़े बनाना सिखाएंगे कराची के मशहूर क्रिस्पी पकोड़े और साथ में चटनी की वही ऑरेंज चटनी, कराची की मशहूर ऑरेंज चटनी पकौड़ों वाली, उसकी रेसिपी अलग होगी, वो भी आप देखिएगा, दोनों हम चैनल पर डालेंगे। तो चले आए हम आपको पहले सिखाते हैं कराची के मशहूर क्रिस्पी पकौड़े। जी हमको क्या क्या चाहिए, देखें हमें बेसन ले लिया है हमने तकरीबन 150 ग्राम, सही है, 200 ग्राम भी आप बेसन ले सकते हैं, और ये है तकरीबन आलू हमने ले लिए हैं तीन बड़े आलू ले लिए, तकरीबन 300 ग्राम आलू है, इसको बारीक चिप्स की तरह हमने काट लेना है और इसको एक से दो पानी में धो के और फिर पानी के अंदर थोड़ी देर डिप कर दिया, मैंने निकाल लिया ताकि खुश्क हो जाए। एक बड़ा प्याज ले लिया, उसको ऐसे लच्छेदार काट लेना है, सही है, और चार अदद बड़ी वाली मिर्चें हैं ये हरी, इसको बारीक चॉप कर लेना है आपने। अच्छा जी, इसके अंदर जाएगा यानी कि तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब जाएगा कॉर्नफ्लोर, आधा कप मैदा ये बेसन में जाएगा। अच्छा जी, इसके अंदर सोडा नहीं डालेंगे, बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल होगा, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर जाएगा, नमक जाएगा 1/2 टीस्पून या हसबे जरूरत, कुटी हुई मिर्चें जाएंगी 1 टीस्पून और हल्दी जाएगी 1/2 टीस्पून, साबुत धनिया ले लेंगे इसको हम कूट के ताज़ा फ्रेश डालेंगे 1 टेबल स्पून और जीरा जाएगा 1 टीस्पून, ये भी फ्रेश कूट के डालेंगे, और ये है हरी लाल मिर्चें बारीक पिसी हुई 1/2 टीस्पून ये जाएंगी, सही, और कुछ भी नहीं जाना है। सबसे पहले हमने ये ले लिया, इसके अंदर हमने मैदा मिला दिया तकरीबन आधा कप मैदा, हम तो फिर कम डाल रहे हैं, बेसन ज़्यादा डाल रहे हैं, नहीं तो वहाँ पे सिर्फ तकरीबन मैदे के ही होते हैं वो, और ये आ गया हमारा तकरीबन 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, सही जी, इसके अंदर हमने हरी मिर्चें मिला दी, प्याज मिला दिया, हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून और थोड़ा सा ज्यादा, यहाँ आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, 1 टीस्पून के करीब हमने कुटी हुई मिर्चें, 1/2 टीस्पून लाल मिर्चें, कम या ज्यादा आप कर सकते हैं। ये बेकिंग पाउडर आ गया हमारा तकरीबन 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज्यादा। अच्छा जी, ये ले लेंगे हम 1/2 टेबल स्पून साबुत धनिया, इसको हमने कूट लेना मोटा मोटा, सही जी, मोटा मोटा हमने डालना है ये, क्योंकि धनिया का बड़ा अच्छा फ्लेवर होता है इसके अंदर, इसके अंदर हरा धनिया वगैरह कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ ये जाएगा। ये देखिए मोटा मोटा हमने कूट लिया, जाएगा इसके अंदर, जीरा ले लेंगे हम 1 टीस्पून के करीब, ये हमारी टेबल स्पून है इसलिए हम इसका आधा डालेंगे, तो भी कूट लें मोटा मोटा, मोटा कूट लिया हमने, चलो कूटने के बाद इसको हमने पहले मिक्स कर लेना है, इसमें कलर भी लोग डालते हैं, कलर डालना चाहें तो पीला कलर थोड़ा सा हम ले लेते हैं, लेमन कलर, जरा सा चुटकी के करीब हमने लेमन कलर डालना, चाहे डालें, नहीं डालना चाहे नहीं डालें, कोई मसला नहीं है। सही करने के बाद
ये आलू हमने ले लिए सारे, सब आलू रखे। अब चमचे का जमाना गया, अब उंगली से मिलाएं मिक्स हाथ से। सही जी, पानी हमने एक गिलास लिया है, लेकिन इसमें से हम थोड़ा सा डालेंगे पानी, तकरीबन आधा कप के करीब। थोड़ा और जाएगा, नरम नहीं करना इसका बैटर, थोड़ा टाइट रहेगा। जब हम इसको छोड़ेंगे थोड़ी देर के लिए, तो इसके अंदर जब हमने मिलाया है बेकिंग पाउडर हल्का सा, वो खुद ही इसको नरम करेगा। सही जी, ये हो गया। नमक चेक करें, सही है नमक, क्योंकि इसके ऊपर चाट मसाला भी डालते हैं, तो फिर नमक कमी थोड़ा रखें ताकि चाट मसाले का फ्लेवर इसके अंदर आ जाए पूरा। सही करने के बाद अजवाइन अगर डालना चाहें तो थोड़ी सी आप डाल सकते हैं, मगर उन पकौड़ों में अजवाइन वगैरह कुछ भी नहीं होती, वो तो बिल्कुल सादे होते हैं। अजवाइन डालनी है तो 1/4 टीस्पून से थोड़ी सी ज्यादा डालनी। सही जी, ऐसा हमने इस कंडीशन में रखना है, ये बस। ये इंशाल्लाह कड़क और बेहतरीन क्रिस्पी टाइप के पकौड़े बनेंगे आपके, बहुत ही बेहतरीन शानदार। अब इसको हमने छोड़ देना है तकरीबन 15 मिनट के लिए, सर्दी के दिन, जैसे आज का सर्दी 15 मिनट बहुत है, गर्मी है तो ठीक 5 मिनट के बाद इसको तल लें। इसको हम साइड पे रखें और फिर हम आपके पास आ रहे हैं 15 मिनट के बाद, जब तक हम आपको चटनी सिखाते हैं। जी, हमने पकोड़े स्टार्ट करना, थोड़े हमने पका लिए पकोड़े, घी ऑयल हमने चढ़ा दिया, अब इसको उतारते हैं। तो फेंकें, हल्का सा पानी लिया हाथ में आपने, हल्का सा पानी लगाना है। चलो भाई, चले आए, फिर निकालते हैं। गर्म कर लेना ऑयल, इतना हो कि धुआं ना निकले दरमियाना, उसमें हमने डालना है इसको। ऐसे उठाया, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, छोटे छोटे डालें, मुंह पिला दें, क्योंकि इसमें आलू होंगे, आलू गलने चाहिए, अगर आप तेज में डालेंगे तो फिर आलू गलेंगे नहीं, कलर आ जाएगा। सही जी, ये हमने डाल दिए, अब हाथ धो लें इसके अंदर आप अपना। अभी इसको तेज रहने दें आपको, जब थोड़ा सा कलर आने लगे तो फिर हम दरमियानी आंच कर रहे हैं। ये देखिए, हमने बना लिए बेहतरीन क्रिस्पी, और आलू भी गल गए, सब कुछ बेहतरीन। सही, अब हम इसको पलटते हैं आस्ता आस्ता। इसको थोड़ा थोड़ा तोड़ दें आप। अभी आपने इसको तेज आंच पे रखना है, जब तक इस पे हल्का सा कलर ना आ जाए। क्योंकि देखें, पकौड़े तो बन जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे होंगे तो फायदा नहीं है। बिल्कुल इसको कड़क करके निकालेंगे वीआईपी। अगर बिल्कुल ठंडे ऑयल में डालेंगे तो पकौड़ों के अंदर ऑयल चला जाएगा, तो वो बिल्कुल बेकार, उसकी शक्ल भी खराब हो जाएगी और अंदर से भी नहीं पकेंगे। पहले तेज आंच रखें और इसको हल्के हल्के हिलाते रहें, यूं पलटते रहें। जो ज्यादा बड़ा पकौड़ा हो तो उसको तोड़ देते हैं, तोड़ देंगे तो उसके अंदर तक घी चला जाएगा, ऑयल चला जाएगा और वो पक जाएगा। तो अभी हम इसको तेज आंच रखी हुई हमने कुल, अब थोड़ा
थोड़ी देर के अंदर जैसे इसकी शक्ल बदलने लगेगी हम इसको नॉर्मल पे कर देंगे, और नॉर्मल पे फिर इसको फिर इसको सुखा के निकालेंगे। नहीं जी माशाल्लाह इतने सारे बंदे पकौड़े अब हमें बांटने पड़ेंगे। अब आप लोग को खाने हैं तो अपना एड्रेस भेजें, हम आपको TCS के जरिए भेज देंगे पकौड़े। और ये चटनी भी हमारी बन चुकी है, देखें ऑरेंज चटनी, इसकी भी हमने रेसिपी डाल दी है अलग से, वो भी आप देखिएगा, और इसके साथ यही ऑरेंज वाली चटनी बना के खाइएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। देखें इसको ऐसे पलटते रहें, जो बड़े हैं इसको तोड़ दें। अभी आपने इसी आंच पे इसको पकाना है। तो मैं इसीलिए दिखा रहा हूं देर तक ताकि आप समझ जाए कि किस तरह पकोड़ा तलता है, पकोड़े तलने का भी तरीका होता है। अगर आपको फ्रीज करने हैं तो बस इस कंडीशन में आपने डीप फ्राई कर लिया और इसको ठंडा करके फ्रीज में रख दें, किसी बंद जार में रख के, जब भी आपको खाने निकाला थोड़ी देर बाहर रखा ठंडे यानी कि गर्म हो गए, फिर आपने घी चढ़ाया और उसके ऊपर आपने इसको फ्राई कर लिया पकौड़ों को। तो ये देखिए मैं तोड़ रहा हूँ इसको अंदर से ताकि इसके अंदर तक जाए, क्योंकि हमने आलू डाले तो आलू अच्छी तरह पक जाए। तो चलें फिर हम रेसिपी अपनी खत्म करते हैं, उधर आते हैं आपको पकोड़े दिखाते हैं। हमारी तैयार हो गई है और पप्पू का चाट मसाला जो कि पकोड़ों की जान, हर चीज की जान। ये देखें ऐसे हल्का सा हमें पप्पू का चाट मसाला इस पर लगाना है, इसको मिक्स करना। देखें आवाज आ रही है, ये खस्ता। अब हमने जैसे खाना है तो ये हमारे पकोड़े आ गए, सही है। और ये हमारी साथ में सीक्रेट चटनी पकोड़ों की जो कि बड़ी मुश्किल से हमने हासिल की है आप लोगों के लिए। अब आप ये खाएं, इसको देखें चखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल वही क्रिस्पी बेहतरीन, और चटनी भी वही, ये नहीं कि मैंने बनाई, आप बनाएंगे तो आप बोलेंगे आप वाकई वही फ्लेवर। इधर हमारे ये भी पकौड़े तैयार हो गए, इसको भी हम लेके आते हैं अभी आपके सामने, बिल्कुल कसम से वही है। अब आप खाएं, मैं खाता नहीं हूं मगर मैं आप लोग की खातिर खा रहा हूं। हाँ क्रिस्पी, ये ले। आज पूरी बिल्डिंग में बांट देने हमें। ये हमारे अगर राजा भाई देख रहे हैं, राजा जैदी साहब, तो राजा भाई ये पकौड़े बना लें बहुत जबरदस्त, साथ में चटनी भी बनाइएगा, और ये पप्पू का चाट मसाला लाजमी इसके ऊपर छिड़किएगा, बहुत बेहतरीन फ्लेवर आएगा इसका, अच्छी तरह छिड़के। तो इसके साथ ही अब आपने हमारे चैनल पे आना है, किंग शेफ शाही जेट जी पाकिस्तान, उसको लाइक करें सब्सक्राइब करें, और जो भी पूछना चाहते हैं कॉमेंट में लिखें, आपको जवाब मिलेगा इंशाल्लाह तआला। और इसके साथ ही पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद, जी पाकिस्तान।